नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के कटनी में एक वायरल वीडियो को लेकर बवाल मच गया। दरअसल ये वीडियो एमपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि जीआरपी थाने में महिला और एक नाबालिग बच्चे के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। वायरल वीडियो के बाद जीआरपी थाना प्रभारी को मामले से पृथक कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के कटनी में जीआरपी थाने के एक वीडियो को लेकर बवाल मच गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और एमपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो शेयर कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। वीडियो में जीआरपी थाने की थाना प्रभारी अरुण पाहने एक महिला और उसके नाबालिग बेटे को डंडे से पीट रही है। मैं कटनी में रहता हूँ, मेरा नाम दीपराज वंशकार है। मेरे को जीआरपी थाने की टीआई मैम और चार पुलिस वाले मेरे को ले जाके थाने में और मेरी दादी को बंद करके मारे हैं। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता ने विपक्ष का दायित्व दिया, तो विपक्ष अपना दायित्व निभा रहा है। जहाँ अत्याचार अनाचार अधिकार का हनन होगा, वहां पे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपना खून पसीना लगाएगा, अपनी जान लगाएगा। लगातार आंदोलन इस बात के लिए घोतक है कि हम बीजेपी से ये हर कुप्रबंध का पर्दाफाश करेंगे, भ्रष्टाचार का करेंगे, इनके घोषणा पत्र वचन पत्र पालन करने के लिए मजबूर करेंगे और इनका असली चेहरा प्रदेश की जनता तक लेके। इस मामले में क्या कार्रवाई होना चाहिए? मैंने बताया टीआई को सस्पेंड करो। अभी पत्थरबाजी की घटना को लेकर पुलिस पर हुई थी तो ढा दिया सामने, तो अब पुलिस ने अत्याचार किया, क्या टीआई का घर तोड़ा जाएगा? उस पर एफआईआर होगी, जरूरी सवाल है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।